5 करना हो रेटिंग के लिए, अजय देखिए अजय सर की नेगेटिव नहीं, उनके लिए तो वो मतलब वो अलग बात है, बट ही इज सच ए पर्सन जिसको अजय सर ने डायरेक्ट भी किया है लास्ट में उनका, और ऊपर लिखा टू बी कंटिन्यूड, व्हाट ही वांट्स टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर। भोला देखकर आए हैं, कैसी लगी फिल्म के बारे में पर्सनल चॉइस अलग अलग होती है, और मुझे तो इतनी वायलेंस वाली फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे लिए तो 3 घंटे बैठना बहुत मुश्किल हो गया था। सो आई वुड से अजय देवगन जी को इस तरह की फिल्में नहीं बनानी चाहिए जो बच्चों के साथ ना देखी जा सके, जिसका कोई सेंस ना हो सोसाइटी के लिए। दे शुड इन्वेस्ट द मनी एंड टाइम ऑन समथिंग बेटर विच कैन ब्रिंग अवेयरनेस फॉर द पीपल, दिस वॉज यूजलेस। मतलब बॉलीवुड कुछ अलग करने की कोशिश करता है, इट वॉज कॉपी, इट वॉज रीमेक ऑफ। जहाँ तक बॉलीवुड या हॉलीवुड या कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात है, हर लैंग्वेज के अंदर चाहे पंजाबी हो चाहे हिंदी हो या कोई इंग्लिश हो, अच्छी फिल्में भी बनती हैं खराब भी बनती हैं। अजय देवगन ने खुद भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, फूल और कांटे से लेके मैं उनकी फिल्में देखता आ रहा हूँ, बट इतना वॉयलेंस भरा हुआ था फिल्म के अंदर, मतलब कोई समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू हो रहा है, और मैं आज घर जाके किसी को बताऊँ क्या स्टोरी थी, कोई स्टोरी नहीं है। मतलब अननेसेसरी लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं, पटक रहे हैं जेल के अंदर, एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, कुछ सेंस ही नहीं बन रहा, मतलब क्या बनाई है उन्होंने चीज़। तो दे शुड थिंक अबाउट इट बिफोर मेकिंग द स्टोरी, इतनी देर लोगों को बुलाते हैं और उनका भी पैसा वेस्ट हुआ, आई विल से वेस्ट ऑफ मनी। आउट ऑफ 5 करना हो रेटिंग के लिए, अजय देखिए अजय सर की नेगेटिव नहीं, उनके लिए तो वो मतलब वो अलग बात है, बट ही इज सच ए पर्सन जिसको अजय सर ने डायरेक्ट भी किया है लास्ट में उनका, और ऊपर लिखा टू बी कंटिन्यूड, व्हाट ही वांट्स टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर। मतलब बंदे को जिंदगी में कुछ अच्छा मैसेज देख लेके आना चाहिए, सोसाइटी में कुछ अवेयरनेस हो, कुछ मतलब इवन वायलेंस भी करनी है तो तरीके की होती है, इसका तो कोई एंड ही नहीं हो रहा वायलेंस का। 200 बंदों की भीड़ आ रही है, एक बंदा मारे जा रहा है वो त्रिशूल हाथ में लेके, कहीं जस्टिफिकेशन ही नहीं है उस चीज़ का। तो सो वो इतने अच्छे 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, तो कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ लेके आए, कुछ बने उसमें, कुछ आर्ट निकल के आए, फिल्म हो चाहे लिटरेचर हो, हर जगह पे कुछ वैल्यू होती है, इसमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं है। ये रिमेक था तो रिमेक को उन्होंने इम्प्रोवाइज करके पेश किया, उसके मैं कहता हूँ हम महीने 2 महीने में कभी फिल्म देखने आते हैं, तो फिल्म देखने जब आप आते हो तो कुछ सोच के आते हो कि यार कुछ एंटरटेनमेंट, पंजाबी फिल्में देखने आओ तो कम से कम थोड़ा हंसता तो इसमें एक बार भी मुझे लगा नहीं है कुछ, एक जरा सा भी एंटरटेनमेंट का कुछ वैल्यू। वॉयलेंस एंड वॉयलेंस थ्रू आउट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। Storyline and action, VFX. It's Bollywood, you know. It's a little unrealistic, but it's okay. It's good. Remake को मतलब उन्होंने improvise किया है अजय देवगन की direction के अंदर, उसके लिए क्या कहेंगे, उन्होंने कैसा किया? अच्छा था, मतलब entertaining है बहुत ज़्यादा. मतलब over तो नहीं, मतलब जैसे आपने कहा Bollywood है. Bollywood है. हम इसीलिए बॉलीवुड को प्यार करते हैं क्योंकि ये बॉलीवुड है। कर सकते हैं। अच्छा तबू की करेक्टर के लिए क्या कहेंगे, उनका एक्टिंग? It was good. I would say the movie is a one-time watch for me. Yeah. Like not that amazing. Out of 5, I'd give it a 3. 3, 4. बहुत बढ़िया मूवी है, कहीं पे भी ऐसे नहीं लगा कि टाइम वेस्ट है, पैसा वसूल मूवी है। देवन की एक्टिंग के लिए क्या कहेंगे? एक्शन बहुत फुल ऑन नंबर है। सर क्या कहेंगे? ये तो आप बनाउंदा, आप शूट करदा है, कंप्यूटर ते मुंडा साडा 7 फेस। हाँ ये कहता मैं आप शूट करी है बिचो फिल्म बनाते, आप थोड़ी शूटिंग करते हैं वो कंप्यूटर से बनाते हैं सारी ये चीज़ा। लगी वधिया लगी है, लगी शांता। हाँ बहुत वधिया। हाँ चश्मे के नाल तो होर समा के लग गए, इतने कई 4 फुट तक ही नज़र आता। हाँ हाँ।